सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं होम क्लीनिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, आज है हमारे पास बटाली कंपनी का हाई प्रेशर कार वॉशर, जो कि एक कमर्शियल प्रेशर वॉशर है। आप अगर वॉशिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हम पहले इसको अनबॉक्स करेंगे, फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे कैसा इसका प्रेशर है। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। मैंने बॉक्स को ओपन करके सारे सामान को यहाँ इकट्ठा कर लिया है। मशीन काफ़ी ज़्यादा वेट ज़्यादा था, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट ओपन करके नहीं दिखा पाया। आप देख सकते हैं मशीन काफ़ी हैवी ड्यूटी का है, लगभग इसका 45-50 केजी के वेट है। तो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि क्या क्या इस बॉक्स में मुझे मिला है। तो कैमरा नज़दीक लाइए ज़रा। सबसे पहले बात करते हैं हम हॉर्स पाइप की। तो ये देख सकते हैं हॉर्स पाइप कॉमर्शियल ग्रेड का है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है। ये सारे इसके, ये लगभग 10 मीटर का है ये हॉर्स पाइप का लेंथ। इसके साथ एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन का मिल जाता है पेपर, आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बात करें हम इसके साथ दो व्हील मिल जाते हैं आपको, जो इसके साथ मशीन में अटैच होंगे, जिससे थोड़ा सा मूवमेंट करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इसको साइड कर देते हैं। आपको एक ये सक्शन हॉर्स पाइप मिल जाता है, वायर ब्रेडेड है, काफ़ी सॉलिड क्वालिटी है इसकी। और बात करें तो हम इसके साथ आपको एक ये गन मिल जाती है वॉशिंग के लिए। गन काफ़ी सॉलिड है, स्ट्रांग है और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ डिसकनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए आपको यहाँ पे अडाप्टर मिल जाता है। और इधर भी आप ये देखिए, आपका ये फीमेल अडाप्टर है, ये भी क्विक डिसकनेक्ट कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो इसको ज़रा सा मैं ओपन करके साइड करता हूँ। दोस्तों, कंपनी ऑफ़र प्रोवाइड कर रही थी जिसमें कि कॉम्बो ऑफ़र था, तो मैंने वो ही लिया है, जिसके वजह से मुझे एक शॉर्ट गन भी इसके साथ मिला है। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का गन है। तो साथ ही साथ मुझे ये दोनों गन मिले हैं, आप देख सकते हैं। तो इस गन से क्या है कि थोड़ा सा आपको वर्क करने में काफ़ी इजी होता है, इस वजह से ये शॉर्ट गन दिया हुआ है। हाँ, अंडर चेचिस जब यूज़ करेंगे तो आप ये लॉन्ग गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर चेचिस और फोम लेंस, ये दो चीज़ मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा मिली है मुझे। और बात करें इसके साथ आपको ये ओरिंग्स मिल जाते हैं कई सारे, जो कि समय समय पर जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ओरिंग की मदद से। बाकी ये व्हील को टाइट करने के लिए कुछ नट्स दिए हुए हैं। और ये आपको एक इनलेट फिल्टर मिल जाता है, आप इसको बकेट में इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट इसमें सक्शन पाइप में लगाकर। ये आपका ऐसे इसमें फिट हो जाएगा और ये आपका चला जाएगा टैंक में या फिर बकेट में, जिसके थ्रू आप सक्शन करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं प्रेशर वॉशर को। बाकी बात करें हम कॉम्बो ऑफ़र में, ये एक आपको हैवी ड्यूटी फोम लेंस मिल जाती है। ये फोम लेंस है, ये भी इसके साथ ही मिला है मुझे प्रेशर वॉशर के साथ। तो अभी मैं इस सारे चीज़ों को यूज़ करके आपको आगे दिखाऊंगा कैसे इसे यूज़ करना है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा। ये 1 लीटर का फोम कैनन है, काफ़ी अच्छा लग रहा हैवी है। और दोस्तों, ये है अंडर बॉडी लेंस, जिसके मदद से हम कार के अंडर चेचेस को क्लीन करेंगे। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए 4 नोज़ल लगे हुए हैं, जिसके थ्रू पानी जाएगा प्रेशर से। 2 व्हील लगे हुए हैं, ये आपका कनेक्ट होगा डायरेक्ट इस क्विक डिस्क क्विक कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। ये लॉन्ग गन से आप डायरेक्ट अंडर बॉडी लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज़ भी काफ़ी अच्छी है, इजी है आपके लिए ऑपरेट करना। तो चलिए, मैं आप जल्दी से इसको असेंबल करता हूँ प्रेशर वॉशर को, और उसके बाद आपको इसका प्रेशर दिखाता हूँ, कितने बार का इसका प्रेशर है। बाकी मशीन के बारे में अभी मुझे बताना बाकी है।
तो चलिए मैं जल्दी से व्हील को अटैच कर लेता हूँ। और हाँ, ये है इसका आगे का टिप नोज़ल, इसमें सारे अटैच किए हुए हैं। ये बॉडी को इसमें यहाँ पे जो पिन है इसको प्रेस करके अंदर की तरफ इसको टाइट कर देना है। ये ऐसे जाएगा, ये आपका अटैच हो गया। ठीक है, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दिए हुए हैं जो पीछे बैक साइड में हैं स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, पहले इसको असेंबल कर लेते हैं। तो बात करें प्रेशर वॉशर की, तो फ्रंट से आपको कुछ ऐसा दिखता है प्रेशर वॉशर असेंबल करने के बाद। काफ़ी व्हील लगाने से काफ़ी इजी टू मूव हो जाता है, आप आराम से इसे मूव कर सकते हैं, जबकि वेट इसका काफ़ी हैवी है। इसमें दोस्तों आपको टिप नोज़ल्स मिल जाती हैं अलग अलग डिग्री की। इधर आपका बैक साइड आपको यहाँ पर पावर ऑप्शन मिल जाता है ऑटो मैनुअल स्टॉप के लिए। ये थर्मल प्रोटेक्शन भी लगा हुआ है, अगर ओवरलोड होता है या ओवरहीट होता है तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बात करें दूसरे साइड की, तो इसमें ये देखिए ये पंप है, पंप की साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी है। यहाँ पे ये जो रेड कैप दिया हुआ है इसको यहाँ से ऑयल फिल करते हैं, जब ये ऑयल सेंटर से कम होता है तो ये उसके लिए कैप दिया हुआ है ऑयल को फिल करने के लिए। व्हील्स भी काफ़ी इसके अच्छे दिए हुए हैं। बात करें दूसरे साइड की प्रेशर वॉशर में, तो ये आपका प्रेशर गेज यहाँ पर मिल जाता है। ये पंप का आगे का हेड है और ये ऑटो कट सेक्शन दिया हुआ है। बाकी ये प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर गेज को मेंटेन करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपका हॉस पाइप लगेगा और यहाँ पर सक्शन पाइप लगेगा जिसके थ्रू आपको वाटर सप्लाई होगी। तो चलिए मैं अब जल्दी से इस पंप को स्टार्ट करता हूँ और आपको प्रेशर दिखाता हूँ। दोस्तों पहले हम मोटर को स्टार्ट करने से पहले इस बकेट में ये फ़िल्टर अटैच कर दिया मैंने, अब इसको इसमें डालेंगे। और ये आपकी जो सक्शन पाइप है वो आपकी यहाँ पर फिट हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से फिट कर लें ताकि एयर ना जा सके। ठीक है, ये फ़िल्टर लग गया, अब अटैच करते हैं इसमें गन की हॉस पाइप। ये आपका यहाँ पे टाइट हो जाएगा, प्योर ब्रास का है ये प्रेशर हॉस पाइप, भी काफ़ी सॉलिड दिख रहा है। प्रेशर का हॉस पाइप का एक साइड इसमें कनेक्ट होगा, दूसरे साइड आपका ये गन में कनेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे क्विक कनेक्टर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इसको पीछे की तरफ पुश करके इसको डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। ये आपका गन फिट हो गया। ये आपको मूव करने के लिए भी काफ़ी इजी रहता है अगर आपके पास ये क्विक अडाप्टर है। तो मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और ये गन को मैंने कनेक्ट कर लिया है हॉस पाइप को। ये देखिए, आइए आप इधर इधर दोस्तों, इसमें पावर फंक्शन दिया हुआ है, ये ऑटो स्टॉप और मैनुअल। तो हम हमेशा ऑटो पे इस्तेमाल करेंगे, मैनुअल पे ही रहेगा, मोटर चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा आपके गन से। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट रहेगा आपका। और जब ऑटो पे रहेगा तो गन जब हम चालू करेंगे जैसे ये, तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ऑटो पे ही चलाएंगे। चलिए अब मैं आपको वन बाय वन टिप नोज़ल यूज़ करके दिखाता हूँ। ये आपका 15 डिग्री नोज़ल है, चलिए। और ये सक्शन पाइप मैंने यहाँ पे लगा दिया बकेट में। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको यूज़ करके देखते हैं। मैंने 15 डिग्री टिप नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ, चलिए। ओह माय गॉड, क्या प्रेशर है, एक झटका दे रहा हो जैसे। दोस्तों प्रेशर इतना तगड़ा है ना कि इसका फील आप जब खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इस प्रेशर वॉशर को यूज़ करके। जैसे ही मैं गन को प्रेस कर रहा हूँ, जस्ट एकदम बैक साइड ये पुश कर रहा है मुझे, काफ़ी हैवी प्रेशर है इसका। आइए चलते हैं प्रेशर गेज की तरफ, देखते हैं कितना प्रेशर मेंटेन कर रहा है। तो मैं गन के ट्रिगर को दबाता हूँ, देखिएगा अभी आप, ये प्रेशर नॉब दिया हुआ है, इसके थ्रू आप प्रेशर को लो, ये देखिए प्रेशर आपका लो हो रहा है।
और ये प्रेशर हाई हो रहा है। ये मैंने पूरा टाइट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अलग अलग जो टिप नोज़ल दिए हुए हैं उसको मैं वन बाई वन आपको यूज़ करके दिखाता हूँ प्रेशर कैसा दिखता है। तो ये है आपका 0 डिग्री नोज़ल, पानी इसमें एकदम भर भर के आ रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 0 डिग्री आपका लगभग 25 फुट तक प्रेशर जा रहा है इसका, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत सही सॉलिड है। तो आइए, अब येलो वाला तो मैंने 15 डिग्री यूज़ कर लिया है, अब आपको मैं ग्रीन 25 डिग्री यूज़ करके दिखाता हूँ। ये है 25 डिग्री नोज़ल, और ये है 45 डिग्री वाइट वाला नोज़ल। इसको भी मैं एक बार आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। सॉरी, ये 40 डिग्री नोज़ल है। चलिए, तो ये देखिए इसका प्रेशर। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको फोम वॉश करके भी दिखाता हूँ और उसके बाद अंडर बॉडी लेंस भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो आइए अंडर फोम लेंस लगा के देखते हैं कि फोमिंग कैसी है इसकी। खैर, प्रेशर जितना ही ज़्यादा रहता है उतना अच्छा फोम जनरेट होता है। तो ये फोम कनेक्ट भी काफ़ी आसानी से हो जा रहा है क्योंकि इसमें अडाप्टर ऑलरेडी फिट है। ये सारी एसेसरीज आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगी आप अलग से परचेज अगर करें तो। इनका जो कॉम्बो ऑफ़र है, मुझे प्राइस इसकी पड़ी थी लगभग 43,500 की, तो काफ़ी अच्छा है। इतने कम प्राइस में आपको अंडर बॉडी लेंस, फोम लेंस हुआ, फिर ये शॉर्ट गन और वो लॉन्ग गन, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट पैकेज में मिलती हैं। तो अगर आपको भी अगर ये परचेस करना है प्रेशर वॉशर, तो मैं सेलर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे केवल और केवल मशीन की प्राइस आपको 45,000 है। तो अगर आप सेलर से डायरेक्ट परचेस करते हैं तो ये आपको 43,500 में ये सारा कंप्लीट सेट आपको मिलेगा। तो आइए फोमिंग करते हैं, देखते हैं प्रेशर कैसा है इसका। ये देखिए, फोम इतना थिक हुआ है कि ये गाड़ी से जल्दी उतर नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। तो जितना ही ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना ही बढ़िया फोम जनरेट होगा। तो आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना थिक है, जल्दी हाथ से भी नहीं गिर रहा है ये। तो चलिए अब इस गाड़ी को वॉश करते हैं। दोस्तों, इस प्रेशर वॉशर में ट्रिपल एक्स प्लंजर पंप लगा हुआ है जो कि अपने पंप में काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो अगर आप भी कार वॉश का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये मशीन आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसका फ्लो रेट 12 लीटर पर मिनट है, काफ़ी बढ़िया प्रेशर दे रहा है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं उसका रिप्लाई जल्दी दूंगा। और चलिए दोस्तों, अब अंडर बॉडी लेंस को भी यूज़ करके आपको मैं दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं प्रेशर कितना बढ़िया आ रहा है इसमें, जिसकी मदद से हम अंडर बॉडी चेचेस क्लीनिंग कर सकते हैं आसानी से। Thank you.
इसका प्रेशर आप देख लीजिए कितना हाई तक जा रहा है।